कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो तेरी तकलीफ को पसंद कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो तकलीफ को पसंद नहीं कर रहे। शायद कोई इतराज करेगा कि आप क्या गैप कह रहे, आपको कैसे मालूम कि पसंद, सब काम उठ बैठे हुए, सब काम उठ बैठे हुए, सब सुन रहे हैं। आप ये कैसे कह रहे कि कुछ लोगों को पसंद है और कुछ लोगों को ना पसंद है? तो मैं उनसे कहूंगा कि इन सब के चेहरे मेरे सामने, इन सब के चेहरे मेरे सामने हैं, मैं चेहरों को देख रहा हूं, मैं चेहरों को देख रहा हूं जिनके चेहरे पर खुशी के आसार है, मैं समझता हूं मेरी तकलीफ को पसंद कर रहे हैं, जिनके चेहरे पर इसमें लाल है मैं जानता हूं वो मेरी तकलीफ को पसंद नहीं कर रहे। तो चेहरा इस बात की हम मान्य करता है कि इस चीज को पसंद किया जा रहा है कि नहीं पसंद किया जा रहा है। अब अल्लाह को किसी चीज को पसंद करने के लिए कुछ चेहरे दरकार है कि जिनके जरिए से आमाल का जायजा लिया जा सकता है कि ये बात इन्हें पसंद है कि नहीं पसंद है। अगर अल्लाह की पसंदीदगी के लिए किसी चेहरे की जरूरत हो तो तलाश करके बताओ कि कोई है ऐसा चेहरा कि जो अपने आप को कह रहा हो मैं न बदलता हूं, हमें अल्लाह के चेहरे, हमें अल्लाह के चेहरे। अब अगर उन अल्लाह के चेहरों की तरफ देखोगे तो तुम्हारे अमल का जायजा तुम लेने में कामयाब हो जाओगे। तुम्हारी नमाजें अगर उनके चेहरे को खुशी बख्शेंगी तो तुम्हारी नमाज कबूल है, तुम्हारे रोजे अगर उनके चेहरे को खुशी के आसार नमूदार हो जाएंगे तो तुम्हारा रोजा कबूल है, तुम्हारा हज अगर उनके चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हो जाए तो तुम्हारा हज कबूल है, वरना सबके सब रद्द कर दिए जाएंगे। चलू मैंने तस्लिमा
नामी कर रहे और अल्लाह और अल्लाह के मलाइका हमारा साथ दे रहे हैं। तो कम से कम इस बारे में तो हर शख्स को यकीन है कि कोई हमारा अमल कबूल हो या ना कबूल हो, जरूर हमारा जरूर कबूल हो जाता है, जरूर हमारा जरूर कबूल हो जाता है। इसलिए हमें मासूम ने यह तालीम फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ो तो नमाज के दौरान मुसलसल दुरूद पढ़ा करो, रुकू में भी दुरूद पढ़ो, सजदों में भी दुरूद पढ़ो, तशहुद में भी दुरूद पढ़ो, सलाम में भी दुरूद पढ़ो, नमाज के अव्वल में भी दुरूद पढ़ो, नमाज के आखिर में भी दुरूद पढ़ो। इसलिए कि दुरूद कबूल हो जाएगा तो उसके साथ तुम्हारी नमाज भी कबूल हो जाएगा। मासूम अलीफा ने हमें आगाह किया है कि तुम शफात चाहते हो तो शफात के लिए बंदोबस्त करो, शफात के लिए बंदोबस्त करो। इसलिए कि शफात के मेयार तक ले जाने का नाम है। कभी कोई तुम कहीं किसी ऐसे तालिब इल्म को ऐसे कैंडिडेट को पास नहीं करता कि जिसकी काफी बिल्कुल सादी नहीं, उसने कोशिश की है, वो जानता है, तरीका जानता है, उसके अंदर खामियां थी, वो रिजल्ट निकालने में नाकाम रह गया, सवाल उसने पूरा हल किया था, कायदा वो पूरा जानता था, फार्मूले उसने पूरे इस्तेमाल किए थे, लेकिन नतीजा गलत निकला, क्योंकि उसके अंदर वो ताकत थी। इसलिए वो कहीं ये कहता है कि ये तुम्हें जानता है, इसलिए मैं अपनी शफात का हक इस्तेमाल करके इसे पास कर दूंगा। बस यही उसमें पाई जाती है हमारे अमल में, हमारे अमल में कोताही है। लेकिन औरतों को तो शायद फरमाया लोगे
कैफियत ऐसी होगी कि कोई अपनी खुली हुई आंखों से उस मुसीबत को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इस आलम में शहजादी आएगी, इस आलम में शहजादी आएगी, से कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। एक टूटा हुआ टूटा हुई एक 6 महीने के बच्चे का नाशा हो गया, दो कटे हुए हाथ उनके हाथों में हुए और उसे लेकर से मशर में आएगी और परवरदिगार तूने वादा किया था मैं आज उस वादे को इफा के लिए हाजिर हुई हूँ। मालिक मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक मैं अपने हुसैन के रोने वालों को बख्श ना करूँ। इस तरह से एक एक रोने वाला बख्शा जा रहा होगा उस बीवी के सदमे में कि जिसने इस अपने रुमाल में इन रोने वालों के आंसुओं को जमा किया है। करबा बेदा मैं याद दिलाऊं बीबी जब आपसे ये कहती है तू वापस क्या आई भाई, तो उनके दिल में ये बात होती है कि तू उस पर रो रहा है जिसका कोई रोने वाला नहीं, तू उस पर रो रहा है जिसका कोई रोने वाला नहीं था। मेरा जी चाहता है अपनी शहजादी से हाथ जोड़ के उस पर बीबी रोने वाले तो बहुत थे लेकिन रोने कहाँ पाते थे सैयदा सज्जाद से नहीं बताया सत्तरियाँ बेड़ियाँ पहने हुए लेकिन जब नौहा करते थे जब बाबा को याद करके रोते थे तो तारिया ने जरूर शिकार कर दिया। एक बहन थी जब रोने की कोशिश करती थी लेकिन तारिया ने ले गया कसम पहुँचाता था। एक नन्नी बच्ची थी 4 साल से पीना जो अपने बाबा को याद करके रोती थी तो उसे रोने नहीं दिया जाता था, उसके रुखसारों को तमाचों से लाल कर दिया जाता था। जब यतीम के दरबार से रिहाई मिली तो शहजादी ज़ैनब ने सबसे पहली ख्वाहिश ये की कि बेटा सैयद सज्जाद यजीद से कह दो हम अपने अजीजों को जी भर के रो नहीं सके हैं, हम चाहते हैं कि एक घर खाली करा दिया जाए जिसमें बैठ के हम अपने अजीजों पर मातम कर ले। सैयद साजदीन ने यह मारूदा ले जाके पहुंचा दी दरबार अजीम ने और एक घर खाली किया गया और पहली मजलिस दमिश्क के उस घर में बर्पा की गई जहां औरतें बनी हाशिम जमा थी और अपने अपने अजीजों को रो रही थी। जब इस बात को पूरा किया गया कि तबर्रुकात टूटे हुए लाए गए तो उसके साथ ये भी रिवायत है कि सरहाए शहदा आए और सरहाए शहदा को लेने के बीवियां पैर कर रही थी। जब इस बात की खबर दमिश की औरतों को हुई तो दमिश की औरतें रोती हुई आई और आके पुरसा देने के लिए एक एक बीवी के पास आती थी, एक एक बीवी से पूछती थी, हर बीवी अपने अपने शहीद का दुख बयान करती थी। कासिम की माँ से पूछती थी ये बीवी आपका कौन मारा गया, तो जवाब मिलता था मेरा 13 बरस का कासिम, मेरा 13 बरस का कासिम एक रात का दूल्हा मामा ने सुमे अस्मा हो गया। उम्मे लैला से पूछती थी आपका कौन मारा गया, तो जवाब मिलता था मेरा 18 बरस का गड़ियल जवान अली अकबर सीने में बच्ची खा गए देख रहा। उम्मे कुलसूम से पूछती थी बीवी आपका कौन मारा गया, अल्लाह ने मुझे कोई औलाद तो नहीं दी थी लेकिन शबे आशूर मेरे भैया अब्बास ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरा फिदिया बन जाएगा, वही मेरा फिदिया था। उसके बाजू कलम हुए